नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोशन रोमिंग में। आज हम आ चुके हैं बिहार के गया जिले में उस मंदिर के पास, जो कि बिहार का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की भांति यहाँ की रथ यात्रा निकाली जाती है, कि शोभा यात्रा निकाली जाती है, और जो परंपरा यहाँ की पूजा पाठ की उसी आधार पर आधारित है। और यहीं पर उसी की भांति भगवान कृष्ण की, बलराम की, सुभद्रा देवी की मूर्तियाँ हैं, उसी परंपरा से यहाँ पर पूजा पाठ होता चला आ रहा है। तो आइए जानते हैं जगह के बारे में। देख रहे हैं श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि बिहार के गया जिले में है, और इसकी भव्यता उतनी ऐसी है जैसे कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में देखते हैं। और ये देखते हैं वहाँ के शुरुआती मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ पर पूजा पाठ का ये प्रावधान उसी तरीके से होता है जो कि जगन्नाथपुरी में होता है। और ये वहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार देख रहे हैं। और ये रहा वहाँ का मुख्य मंदिर, मुख्य परिसर, जो कि बाद में और भी नए निर्माण मंदिर का निर्माण किया गया है, जो देख रहे होंगे राम जानकी मंदिर है, ये नया निर्माण किया गया हो। और साइड में इसके जगन्नाथ मंदिर होगा जो कि पुराना है, और लेकिन ये पूजा पाठ का तरीका वैसे ही रखा गया है। बाद में आसपास भी और कई चीज़ों का निर्माण किया गया है। तो ये जानते हैं जगह के बारे में, देखते हैं और चीज़ें सब क्या सब हो रही है, सुरक्षा दृष्टिकोण से यहाँ पर ये पुलिस तैनात किए जाते हैं। और आप लोग जब भी यहाँ पर आए, जूता चप्पल बाहरी उतार दे, क्योंकि जो आस्था को ठेस ना पहुंचे। और ये मंदिर का जो अगर आप कभी यहाँ आना चाहें तो यहाँ के बहुत ही कॉमन जगह है, जो आप देख रहे होंगे सामने महाबोधि मंदिर है, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इलाइटमेंट हुआ था, निर्वाण हुआ था, उसी स्थान के जस्ट सामने विपरीत जगह पर स्थान पर ये मंदिर है जो ये देख रहे होंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि हाल ही में किया गया है, कुछ वर्ष पहले किया गया है। और यहाँ पे भगवान विष्णु के दशावतार को दिखाया गया। और ये रहा इस मंदिर का मुख्य मंदिर, जो कहे जो मुख है, राम है, बलराम, सुभद्रा देवी जी की मूर्तियाँ हैं कि यहाँ पे लाई गई हैं। तो आप देख रहे होंगे हमारे बाएं ओर से देखिएगा तो भगवान विष्णु जो दशावतार बताए गए हैं, जो पहला है मत्स्य अवतार को दिखाया गया है, कच्छप छाप, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, और ये परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, और जो अंतिम में जो कलयुग के अंत में आएगा कल्कि अवतार को दिखाया गया है। ये देख रहे होंगे मंदिर साफ स्वच्छ पवित्र है। मंदिर का निर्माण अभी चल ही रहा है, अभी कार्य प्रगति पर है। मंदिर का परिसर बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो रथ यात्रा निकल जाती है, यहाँ आसपास निकाली जाती है। अभी शायद नहीं होगा, जो आप देख रहे होंगे ये रथ है, ये रथ पे शोभा यात्रा निकाली जाती है, राम, बलराम, सुभद्रा देवी की, तीन रथ है और तीन मूर्तियाँ को दर्शाता है। और इसका कैंपस है जो देख रहे होंगे। और यहाँ पे लगभग 12 से 2 बजे तक यहाँ पे भोजन का प्रबंध किया जाता है, जो कि प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और हर शनिवार को, यानी कि जैसे आज मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो आज शनिवार का है, तो आज खिचड़ी का प्रावधान किया गया, और हर शनिवार को यहाँ खिचड़ी दिया जाता है प्रसाद के रूप में। और यहाँ आपको हर मंदिर के परिसर में पीपल का वृक्ष देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पीपल का वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना गया, शुद्ध माना गया, क्योंकि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे ही हुई थी। इसलिए देख रहे हैं पीपल का वृक्ष भी यहाँ पे रखा गया है, बगल में महाबोधि भजन होने की वजह से इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और यहाँ पर दुनिया भर के लोग, विशेषकर जो आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के दोस्त, जो कि यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो यहाँ पर आते हैं, हर दिन आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। ये देखिए मंदिर का मुख्य परिसर, भव्य परिसर देख रहे होंगे आप। और
और इसी मंदिर के परिसर में आपको एक शिव मंदिर देखने के लिए मिलेगा जो कि प्राचीन है और लगभग इसकी पूजा लगभग कई वर्षों से दशकों से सदियों से भी की जा रही है। तो ये मंदिर का भी निरीक्षण करते हैं और देखते हैं इस मंदिर में क्या है, क्योंकि जो वास्तुकला को देखने को मिल रही है पुरानी मिल रही होगी। देखिए यहाँ पर कौन सी भगवान की मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर भी दोनों में भगवान शिव की मूर्तियाँ हैं और दोनों में और भगवान की मूर्तियाँ अंकित की गई हैं। भगवान गणेश है, पार्वती है, हनुमान जी हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं जो इसी परिसर में हैं। और ये रहा भगवान शिव की मंदिर, बगल में नंदी महाराज है। ये देख रहे होंगे कितनी ऊंचाई तक जाके इस मंदिर के घंटे का किया गया है, लगभग 30 से 40 फीट तक सारा को दिख के रहा अंधेरे में, लेकिन हनुमान 40 फीट से ऊपर तक की इसकी। और ये इस मंदिर का परिसर रहा। तो आपका हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए बिहार के स्वर्णिम इतिहास को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।